कहता है कि मंगम्मा नाम की एक औरत है, ध्यान देना है, मंगम्मा नाम की एक औरत है जो गांव के रहने वाली, मंगम्मा नाम की एक औरत है जो गांव का रहने वाली है, मतलब ग्रामीण परिवेश की रहने वाली औरत। मंगम्मा नाम की एक औरत है जो ग्रामीण परिवेश की है, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण मतलब होता है गांव, ग्रामीण मतलब क्या होता है, मंगम्मा नाम की एक औरत है जो ग्रामीण परिवेश की औरत, मंगम्मा नाम की एक औरत है जो ग्रामीण परिवेश की औरत है, मंगम्मा नाम की एक औरत है जो ग्रामीण परिवेश की औरत है, जो शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करती है, जो शहर में जाकर दही बेचने का क्या करती है, जो शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करती है। आप दोनों को दिक्कत अगर हो रहा है तो ये बेच में आ जाए, दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत, चलिए वहां से थोड़ा सा इधर चार में नहीं लगा पाए। अब बताइए, मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है, मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश का औरत है, ग्रामीण का मतलब होता है गांव, गांव का एक औरत है जो शहर में जाकर क्या बेचती है, दही, जो शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करती है, उसी मंगम्मा की कहानी को आज हम अपनी जुबानी सुनाएंगे। बात समझिए, मंगम्मा एक गांव की औरत है जो शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करती है, शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करती थी। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो बेंगलोर शहर में जाकर, शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करती है। देखिएगा, पहला मंगम्मा नाम का एक औरत है, मंगम्मा नाम का एक औरत है जो शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करती है, मंगम्मा नाम का एक औरत है जो शहर में दही बेचने का कार्य करती है। मंगम्मा वैसा औरत होगी जो शहर में जाकर दही बेचती है, तो इसका मतलब है कि इसका बैकग्राउंड जो है गरीब फैमिली से बिलोंग करता होगा। साधारण आज मान लिया गया कि कोई औरत बाजार में ठेला लगाकर सब्जियां बेच रही है, फल बेच रही है, दूध बेच रही है, दही बेच रही है बाजार में, तो बताइए क्या वो इंसान कोई अमीर परिवार से बिलोंग करता होगा? साधारण परिवार से जो दही लेकर बाजार में आया और बेचा, वैसे आदमी तो गरीब परिवार से ही बिलोंग करता होगा, गरीब परिवार का होगा। तो वैसे गरीब परिवार की कहानी को हम आज बताने जा रहे हैं, इसको गौर से सुनिएगा। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत थी, मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत थी जो बेंगलोर शहर में जाकर, आपका किताब में साफ शब्दों में लिखा है बेंगलोर नहीं लिखा है, बेंगलोर लिखा है, देखिए आपको अंडरलाइन भी कर देते हैं, आप अगर किताब पढ़ते होंगे तो आपका कर देता हूं। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत थी, मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत थी जो बेंगलोर शहर जाकर दही बेचने का कार्य करती थी। बेंगलोर शहर में जाकर, कौन शहर में जाकर, बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करते थे। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत थी, मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की जो बेंगलोर शहर में जाकर, कौन शहर में जाकर, बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करते थे। इतना दूर क्लियर हो गया, मतलब मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत थी जो बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करते थे। मंगम्मा जो दही बेचती थी वो बारिश से बेचा करती थी, मंगम्मा दही जो है वो बारिश से बेचा करती थी। बारिश का मतलब होता है प्रत्येक दिन दही का देना, प्रत्येक दिन दही का देना और महीने में पैसा एक बार लेना, बारी कहा जाता है। प्रत्येक दिन दही का देना और महीने में एक बार पैसा को वसूलना या लेना क्या कहा जाता है, बारी, जिसको हम लोग अपना इलाका में महीन बारी कहते हैं। क्या समझ में आ गया, जिसको हम अपने इलाका में महीन बारी कहते हैं, लेकिन बेंगलोर में उसी को हम क्या बोलते हैं, बेंगलोर में उसे क्या बोलते हैं, बारी, बेंगलोर में उसे क्या बोलते हैं, बारी, क्या बोलते हैं, बारी। तो मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत थी,
जो बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने के कार्य करते थे, दही जो है बारे से बेचा करते थे, मतलब प्रत्येक दिन दही का देना और महीने में एक बार पैसा का वसूलना या लेना बारे कहा जाता है। बताओ यहां तक के बता दे, यहां तक सबको याद हो गया? बताओ, मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत थे जो बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करते थे और दही जो है बारी से बेचा करते थे, मतलब प्रत्येक दिन दही का देना और महीने में एक बार पैसा वसूलना ही बारी कहा जाता है। बताओ यहाँ तक कोई लड़का की दिक्कत? चलिए बारी का है। तब मंगम्मा जो है शहर, मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो बेंगलुरु शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करती है। जाने और आने के क्रम में, जाने और आने के क्रम में, मतलब जाने मतलब शहर जाते थे, गांव से शहर जाते थे, तो जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को एक औरत से लगाव और प्यार हो जाता है। मंगम्मा को एक औरत से लगा और क्या हो जाता है? प्यार। ऐसे लिखा था बोस, देख लो कई सौ में हम ज्यादा झोल झाल में नहीं रहे। अच्छा सही जा रहा है, अब दिल तो पार ही नहीं पाएंगे बोस। सही अब आता है, मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने के कार्य करती है। जाने और आने के क्रम में, रास्ता में जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को एक औरत से प्यार हो जाता है। मंगम्मा को जिस औरत से प्यार होता है उसे मंगम्मा माँ जी कहती है। माँ जी। अब बताओ यहां से समझिएगा, फिर से पुनः बोल रहे हैं। बताओ, मंगम्मा शहर दही बेचने के लिए जाती थी तो जाना और आना। तो अब बताइए, कोई इसी रास्ता से रोज जाएगा सब्जी बेचने या दूध बेचने या फल बेचने, तो अगर मान लिया कोई आदमी ऐसा रहता है जिससे लगा हो जाता है, आप बाजार में जाते हैं कुछ सब्जी वाला से लगा हो जाता है, कोजा पर कोई लड़का बेच रहा है सब्जी तो आपका ही मित्र है तो लगा हो गया, कोई लड़की बेच रही है उसका मतलब बोली बेचारा अच्छा लगा तो आप वो जो सब्जी ज्यादा खरीदते हैं ये बीमार हो जाता है। क्या बात समझ रहा है क्या? हाँ चलिए, वो भी बात सही बोल रहे हैं। कितना लोग कह रहा है केवल देखे हम सही कर दी। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो शहर जाकर दही बेचने का कार्य करते है। जाने और आने के क्रम में, जाना और आना है, जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को एक औरत से प्यार हो जाता है। बताओ, पूछ देगा कि मंगम्मा जब रास्ता में दही बेचने जाती है, तो जाने और आने के क्रम में, मंगम्मा को एक औरत से ही प्यार हो जाता है। मंगम्मा भी औरत है, वो भी औरत, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिस औरत से मंगम्मा को प्यार और लगाव होता है उसको मंगम्मा क्या कहती है? उसे मंगम्मा माँ जी शब्द से संबोधित करती है। बात यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक किसी भी लड़का का दिल में लोचा उचा? तो बता, मंगम्मा ग्रामीण परिवेश की औरत है जो शहर दही बेचने जाती है और जाती है और आती है, जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को एक औरत से ही प्यार हो जाता है जिसको मंगम्मा क्या कहती है? क्वेश्चन पूछ देगा, मंगम्मा शहर दही बेचने जाती है, एक औरत से प्यार होता है जिसको क्या बोलती है? माँ जी मंगम्मा बोलती है। यहाँ एक शब्द नया आया है, प्यार। प्यार क्या है इसको मैं पूरा HD बना रहा हूं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ये सिलेबस का चीज नहीं है, लेकिन सिलेबस में प्यार आया है हिंदी में, तो प्यार होता क्या है ये आप जान लीजिए। प्यार किसे हम कहेंगे समझिए, सुनिएगा। प्यार के बारे में पहले हम निचोड़ बता रहे हैं, कोई लड़का हल्ला नहीं करेगा, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, मेरे दिमाग में ये सब रहता
ऐसा नहीं सोचेगा भाई भूखो नहीं लिखा लो भाई देखो यू कहने लिखा लो तो पढ़ो जरूर, वो सब नहीं मिलेगा। हाँ ये समझ ले, आपका बुक जो है उसका स्टैंडर्ड से हम कई गुना स्टैंडर्ड लेवल मेरा ऊपर रहता है। देखिए प्यार क्या है इसको समझे, प्यार एक अलौकिक चीज है जिसे दुनिया या संसार का कोई भी प्राणी, प्यार एक अलौकिक चीज है जिसे दुनिया या संसार का कोई भी प्राणी अपने आंखों से देख नहीं सकता है, बल्कि अपने दिलों और मनों से अनुभव कर सकता है, वही प्यार है। वही क्या है? प्यार है। प्यार एक अलौकिक चीज है जिसे दुनिया या संसार का कोई भी प्राणी अपने ये आंख से देख नहीं सकता है, केवल और केवल अनुभव या महसूस कर सकता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्यार कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? फिर से बोले क्या कहा जाता है? प्यार। प्यार एक अलौकिक चीजें हैं जिसे दुनिया या संसार का, ये दिमाग में रखना, ये सब लिखाएंगे ने, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं बल नोट पॉइंट में सर जरा प्यार को थोड़ा सा लिखवा देते तो थोड़ा सा अच्छा रहता, ये सब आपको समझा भलो सकते हम। तो प्यार एक अलौकिक चीज है जिसे दुनिया या संसार का कोई भी प्राणी इसे देख नहीं सकता, बल्कि अपना दिल और मन से अनुभव कर सकता है। आपको मैं बताता हूं, आप लोग अपने में सोचिए, आपने किसी लड़की से प्यार किया? नहीं किया, गलत बात, अच्छा है नहीं किया, नहीं किया तो वे बुड़बके है तुम। अब तुमने किसी लड़की से प्यार किया तो ये दिल में महसूस हुआ कि मैंने प्यार किया, ये महसूस हुआ, फीलिंग आया कि मैंने उससे प्यार किया, ये दिल में लगेगा, सोते जागते उठते बैठते फिर गरबा उगरबा नाच रहे दीवार एकदम नाच रहे पूरा आगे, तो मैंने अब समझ ले तो वो दिल से अनुभव किया कि प्यार है, कि उसको देखा कि हमसे प्यार है, क्या किया? अनुभव किया। फिर से बोले क्या किया? ऐसे थोड़ा लगा हुआ है कि अरे भाई ओकरा में हमार मुहरवा लगा ले प्यार के ओहेल देखा लिए तो हम ओकरा से प्यार के लिए, ये मुहर तो नहीं लगा हुआ, ये मैंने आपने महसूस किया कि मुझे उससे प्यार हो चुका है। तो बताइए प्यार एक अलौकिक चीज है जिसे दुनिया या संसार का कोई प्राणी इसको देखता नहीं है, बल्कि अपना दिल और मन से अनुभव करता और महसूस करता है। प्यार दो भागों में बांटा गया है, आराम से समय आप जाए, अब निकल गए रास्ता हम तो बताइए छोड़ेंगे ना। प्यार को दो भागों में बांटा गया, आप ये समझिए, एक है वास्तविक प्यार और एक है काल्पनिक प्यार। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो उसी प्रकार से यहां पर मतलब कहता है वास्तविक प्यार और एक काल्पनिक प्यार। प्यार दो तरह के होते हैं, एक भाई अपने बहन से प्यार करता, माँ अपने बेटे से प्यार करता है, जो वास्तविक प्यार दिखता है, जो आदम आदम वास्तविक प्यार करता है। अब बताइए आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, इसके लिए कितना लाख रुपया डोनेशन लिए, कितना लाख में आप बुकिंग हुई है डोनेशन, आपसे आपकी मां प्यार करती है कितना करोड़ रुपया आपने दिया, आपकी मां आपसे प्यार करती है कि नहीं करती है बताओ, दिल से महसूस कर सकती है या तो आप दिल से महसूस कर सकते हैं, बशर्ते इसको फाड़ कर आप दिखा नहीं सकते हैं। आप बजरंग बली नहीं है कि फाड़ सीना दिखा दिया आदम, आदम समझ लीजिए, हाँ बताता हूं, हाँ आदम समझ लीजिए कि गर्जन तर्जन करने लगा कि नहीं देखा इस दिन फाड़ के दिखाइए देव बाबू, आदम साफ फिगर वादम नजर आए तो बाबू है कि नहीं, चुंदरी आरो अल्ले हो कि नहीं। तो बताइए आप अपने भाई से प्यार किया, अपने बहन से प्यार किया, अपनी माँ से प्यार किया, आप अपने दोस्त से प्यार किया, आप अपने प्रेमिका से प्यार किया, वो सच्चा प्यार कहलाता, वो दिल में बसा जो दिखना नहीं चाहिए, बसरते दिल से मनो से अनुभव कर सकते हैं, एहसास होना चाहिए कि मैं प्यार करता हूं। आपको मैं गौर फरमाना चाहूंगा बंदा, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, कि कभी काल क्या होता है कि आप अपनी अगर बहन के साथ जा रहे हैं
और आपकी बहन के दुपट्टे में कोई हाथ अगर लगा देता है तो समझ लीजिए आपके दामन पर वो दाग लगा दिया। आप कितनों कमजोर क्यों नहीं है, उस दुपट्टे में हाथ लगाने वाले को हाथ कवारने का फेंकने का संकल्प ले लेते हैं आप कि बाबू गलत जगह तू हाथ लगा देने। आज एक फौजी लड़के से प्यार नहीं करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, वो सरजमी से प्यार करता है, उसके दिल में सच्चा प्यार बसता है, वो सच्ची प्यार है, उसी को कहते हैं वो, उसका दिल जानता है, उसका मन जानता है, उसका अपना सपना जानता है कि हम दिल से प्यार करते हैं इस मातृभूमि की, इस सरजमी की सेवा करते हैं। बताओ वो सरजमी से प्यार करता है क्या वो लड़की है? बताओ फौजी अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है कि बाबू खून दे देंगे शहीद हो जाएंगे लेकिन अपना वतन नहीं देंगे? अभी तो ये बात समझे, तो वहां पर दिल हमारा कहता, अनुभव करते महसूस करते। ऐसा थोड़ी है कि कोई फौजी को लाख रुपया मिल रहा है पेमेंट, या हजार रुपया, पांच हजार, दस हजार पेमेंट मिल रहा है तो पेमेंट से प्यार करता है। नहीं, अगर पेमेंट मिलने की बात होता नहीं तो नाली साफ करने वाले को भी फौजी से ज्यादा पेमेंट मिलता है। ये बात समझ लीजिए। तो मैं तो रियल बताता हूं कि अगर देश में अगर कोई बिरला है तो एक फौजी और एक किसान, बाकी और हीरो हीरोइन जो अपना सूरत चमकाती है और चमकाते हैं वो कायर है, ये समझ लीजिए। वैसे लोगों का जो पेमेंट ज्यादा रहता है खेल और खिलाड़ियों का, उसका तो पेमेंट कम करके फौजी को साथ में जोड़ना चाहिए यार। बहाली नहीं आया उसके लिए भी मुझे दुख है कि देश में ऐसे वीर सपूतों के लिए जो मतलब कहा था अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, वैसे के लिए बहाली नहीं आता। तो वो मातृभूमि से प्यार हुआ, ये वास्तविक प्यार इसी को हम कहते हैं। समझ में आया? Yes, इसको वास्तविक प्यार। इधर जाए, काल्पनिक प्यार क्या है सर? काल्पनिक प्यार मैं मान लिया कि आपने एकदम R15 लिया, चकमा देते हुए निकला हो जैसे, है कि नहीं? दो चार बार नयन में नयन मिला, नयन लड़ा, नयन लड़ गया, जैसे एकदम समझ लीजिए कि आपने नंबर फेंका, उसने नंबर उठाया, दोनों में गुफ्तगु बात हुआ, दोनों आप दूसरे से मिले, गला में गला लगाकर, बाहों में बाहों मिलाकर आपने रोड पर चलना शुरू किया, तो बताइए गला में गला मिलाकर आप चल रहे हैं तो ये प्यार दिल से महसूस हो रहा है कि दिख रहा है? दिख रहा है। कितना लड़का देखता है केवल बाबू देखिन चटो चटो रनिए कर ले किसी रिया, हां आदम हाथा हाथा मिला जा ले, तो ये दिख गया। समझ लीजिए कि जो दिख गया वो सच्चा नहीं है, उसी को आप देखिएगा कि आज इससे दिखा, 10 दिन के बाद आपको पता चलेगा फलना हीरोइन ब्रेकअप, नया नया वर्जन आ गया। लीजिए बासवा रह गए, आप देखते होंगे कितना क्रिकेट का प्रेमी, एको क्रिकेट का ही मतलब देखिएगा, ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज ही हीरोइन के साथ अदम शर्ट के सेल्फी ले ले, पूरा अदम अदम मार्केट में छा गलो कि आज अदम फलना खिलाड़ी अदम इस हीरोइन को दिलो जान से चाहते हैं, अबरी टूर्नामेंट में पता चलो कि दोसर से हो। बताइए वो जो दिख रहा है वो वास्तविक प्यार नहीं है, वो टुकड़ों में बदल जाने वाला प्यार है, वो केवल ढोंग है, वो केवल भोग विलास जीने का सपना है, वो जिंदगी नरक में ले जाने वाला सपना है, वो जिंदगी अपना जीवन का ये समझ लीजिए आपका इस जीवन का वो सौदा करता है, ना कि आपके जीवन को अपना समझता है। वो समझ ले, आज मिले आप अच्छा लगे, बात किए, बात मिला रहेंगे साथ, नई बात मिला निकलते हैं भैया, आप भी दूसरा देखिए हम भी दूसरा देखते हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि माँ कौन ऐसा है जिसको 10 माँ है? माँ का अब बताइए कौन ऐसा बच्चा है जिसका 10 माँ अगर है भी, धरती पर का हर माँ है, लेकिन मैं बताता हूं एक प्यार को तोड़ने के लिए, एक प्यार को तोड़ने के लिए, एक प्यार को तोड़ने के लिए एक मैं मान लिया आप या कोई आदमी शादी किया, इसको तोड़ने के लिए कोई कागज आता है कि नहीं? क्या आता है जानते हैं? डिवोर्स कागज। कौन कागज आता है? डिवोर्स कागज। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि आप अपनी मां से अलग होना चाहते हैं उसके लिए कौन कागज आता है कोर्ट में, आप बताइए?
तो जहां सच्चा प्यार बसता है वहां कागज की जरूरत नहीं होती है, जहां सच्चा प्यार नहीं बसता वहां टुकड़ा की जरूरत पड़ जाता है। तो वास्तविक और काल्पनिक क्या हुआ, वास्तविक और काल्पनिक प्यार क्या हुआ, ये बात समझ में आया? फीलिंग वास्तविक दिल से होगा, जिसको महसूस कर सकते हैं उसको देख नहीं सकते हैं, उसका कोई टुकड़ा नहीं होगा, उसका कोई कागज नहीं होगा, कोई उसका नमूना नहीं होगा। लेकिन जो वास्तविक प्यार होगा वो दिल से होगा, उसके लिए अदम दिल में फीलिंग आएगा। वास्तविक में दिल में फीलिंग आएगा, उसके लिए कोई कागज का टुकड़ा नहीं रहेगा, उसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई चाउमीन चाट खिलाने की जरूरत नहीं है, कोई 5-स्टार होटल में घुराने की जरूरत नहीं है, कोई अपाची और पल्सर पर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए। और जहां वास्तविक प्यार बसता है उस समय नीमक रोटी भी खिलाइएगा तो आपके साथ रहेगा या रहेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप इसको समझ में आ गया? एक फौजी को 10 दिन भी भूखा रहना पड़ता तो मातृभूमि को छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो उसका वतन है। बाबू प्यार समझ में आया? इस समय ज्यादा टाइम कहल दे, हम हटा दे, डिलीट कर दियो या नहीं रहल दे, थोड़ा साइड अगर कर देना, समझा दिए ने? कोई भी आवे शब्द, कुछ भी आ जाएगा हिंदी का, कतनो बड़ा शब्द रहेगा, ओकरा हम जब बोलना हम शुरू करेंगे तो रुकने का कोई नाम नहीं, टेंशन नहीं लेना। तुम्हें जजा आए हो ने, ये साधारण बिरला नहीं है बाबू, पता तू लगा लेना मेरे बारे है कि नहीं। ये बात समझे, ऑप्शनल 300 विषय डायरेक्ट ऑप्शनल विषय हिंदी, मतलब कहता है का पूरा क्लास हम करके यूपीएससी का बैठे हुए हैं, हिंदी ऑप्शनल है कि नहीं, जो डायरेक्ट आईएएस का लिखा जाता है परीक्षा में, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा किताब तो ये वो समझ लीजिए कि ये कुछ है ही नहीं, ये सब किताब है यार। हमने प्रेमचंद्र की इतनी किताबें पढ़ा, मतलब कहता है इतने प्रेमचंद्र का, तुलसीदास का, मतलब कहता तमाम बहुत सारे पुस्तकें मैंने देखा, जिसको मतलब कहता आपको पढ़िएगा उपनिषद, मतलब कहता उपन्यास है कि ए, आप समय उपन्यास आप जानते होंगे, कहानी जानते होंगे, ये सब बहुत सारे चीजों आपको पढ़ने को मिलेगा, ये सब चीज छोटा मिलेगा, दसों कुछ है नहीं, आप पढ़ोगे तब। लेकिन बशर्ते आप ही का सिलेबस हमको पढ़ाना रहता है, इसलिए मैंने उन्हें भटकना नहीं चाहते, आप ही अनुसार काम करते हम खाली। बात समझ में आ गया? लेकिन जजा पर आ जाएगा कुछ वैसा तो वजह तो झकझोर देंगे, वो सब बर्बाद कर देंगे उस शब्द को। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कितना लोग होता है किताब लाइन बाय लाइन, हलू हलू हल 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 हुला आए पढ़ ले जा, तो सीधा सीधे कोई ऐसनो भी होंगे जो कहेंगे कि लाइन बाय लाइन पढ़िए सर, तो हम लेक्चरर हैं, लेक्चर देते हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बोस, ये बात याद रखना। तुम बोलोगे कि पहला नियर पढ़िए सर, माता खाती है पिता पीते हैं, ओसन का नहीं चलेगा। बात सुन आ गया? अब बताओ, मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करते है। जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को प्यार हो गया, और प्यार जो हो गया किससे प्यार हो गया, और मंगम्मा का प्यार शब्द को मैंने समझा दिया। कजो पर जाइएगा, बोल देगा कोई प्यार, खाली धड़ाधड़ घंटा बोल, 15-20 मिनट बोलते रह जाइए आप। थोड़ा सा 1 मिनट सन का मोमेंट ऑफ करो। चलिए यहां तक क्लियर हो गया? फिर से आपको मैं समझाना चाहूंगा। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने की कार्य करती है। जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को एक औरत से लगाव और प्यार हो जाता है। मंगम्मा को एक औरत से लगाव और प्यार हो जाता है, जिसे मंगम्मा माँ जिस शब्द से संबोधित करती है। हेलो जी, हाँ सर बोलिए। अच्छा, मतलब घर में पास सर? हाँ हाँ समझ रहे सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक सर, आज ही है ना? चलिए
हो गया। तो मंगम्मा को एक ग्रामीण और से मुलाकात, ग्रामीण था, शहर में जाकर दही बेचते जाने और आने के क्रम में प्यार हो जाता। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने के कार्य करते जाने और आने के क्रम में मंगम्मा को एक औरत से लगा और क्या हो जाता है। मंगम्मा एक दिन बेंगलोर शहर से दही बेचकर आती है, प्रत्येक दिन बेचारी जाती है और आती है। एक दिन जब शहर में दही बेचकर, बेंगलोर शहर से दही बेचकर जब आती है, बेंगलोर शहर से दही बेचकर क्या होती है, ध्यान देगा। मंगम्मा जब एक दिन बेंगलोर शहर से दही बेचकर अपना घर लौटती है, मंगम्मा जब एक दिन बेंगलोर शहर से दही बेचकर अपना घर लौटती है तो देखती है कि मंगम्मा का बहू, मंगम्मा का कौन है बहू, अपने बेटे को पीट रही थी, बेटे को पीट रही थी। मंगम्मा का बहू, मंगम्मा का कौन है बहू, मतलब मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा का बेटा का पत्नी कहलाएगा मंगम्मा का कौन बहू। जैसे आपका, आपकी माँ है, आपकी माँ है और आप माँ का क्या है, बेटा है, तो आपकी पत्नी आपकी माँ, हाँ बीबी आप बोल रहे हैं, ठीक है बीबी पर ज्यादा आप जा रहे हैं, आपकी पत्नी जो है आपकी माँ के लिए क्या कहलाएगी, बहू कहलाएगी और बहू कहलाएगी। समझ में आ गया, नहीं रिलेशन समझ में आ गया होगा। आप ऐसे जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो रीजनिंग एक रिलेशन बिटवीन वाले रिलेशन वाला पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, एक चैप्टर है रिलेशन वाला। तो मंगम्मा जो है, मंगम्मा जो है मतलब कहता है जब दही बेचकर वहां से शहर से लौटती है तो देखती है कि बहू अपने बेटे को, बहू ककर बेटा को, मंगम्मा बहू, मंगम्मा की बहू जो है अपने बेटे को, मंगम्मा का बहू, जैसे तोर पत्नी है तो तोर पत्नी की अगर संतान हुआ तो वो अपन बेटा पीट रहे कि मंगम्मा का बेटा पीट रहे, वो तो पति हो जाएगा। तब बता, मंगम्मा की बहू अपने बेटे को क्या कर रहे थे, मंगम्मा की बहू अपने बेटे को धर लिया करने लगा, मंगम्मा की बहू, मंगम्मा की, मंगम्मा की बहू अपने बेटे को क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। बच्चा ध्यान देगा, मंगम्मा अपने बहू को क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। मंगम्मा की बहू, मंगम्मा की बहू अपने बेटे को पीट रहे थे। जब मंगम्मा मना करती है कि इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, काल पीट रही है, क्या गलती कर दिया इस बच्चे ने, तो मंगम्मा की बहू आदम गुस्से में आकर जवाब देती है कि तुम्हारा पति तुम तर रहा नहीं रहा, तुम्हारा बेटा तुमसे सुधरा नहीं सुधरा, जो तुम हमारे बेटे को सुधारने चली हो, मतलब ये बहू बोल रहे एकदम गुस्सा के, मतलब कहता है कि तोर पति तोरा तर रह नहीं रह, तोर बेटा तोरा से सुधार ले जी, हमार बेटा को तो सुधारे चलने, बताओ ये बात बहू बताओ क्या करा बोल दिया, मंगम्मा को, सास को बोल दिया। जब ये बात बोल दिया कि मतलब कहता तुम्हारा पति तुम तर रहा, तुम्हारा बेटा तुमसे सुधरा, ऐसा जब बात बोल दिया तो मंगम्मा को गुस्सा लगने लगा कि बताओ ऐसे बोलेगी हमको, जब हम मना किए मारने के लिए, रोकने का कोशिश किया और ये ऐसे बोलती है। तो मंगम्मा अपने बेटे के पास इस शिकायत करती है, मंगम्मा अपने बेटे के पास क्या करती है, शिकायत करती है। मंगम्मा को दुख जानता कहे जाने लगा, क्योंकि मंगम्मा का पति मंगम्मा को छोड़कर चला गया था। मंगम्मा का पति, हम बोला प्यार की हो जाना ना अभी, मतलब कहता मंगम्मा का पति जो है मंगम्मा को छोड़कर क्या हो गया था, चला गया था। कोई बढ़िया नया भर्जन समझ में आ गए होते, छोड़ दिए, बासवा रहा है कि नहीं। अब बताइए, एक कहने का मतलब है, ए, तुमको मैं बताता हूं कि किसी का पति अगर किसी को छोड़ दे, किसी का पति की मतलब कहता किसी पत्नी को छोड़ दे, पति पत्नी को छोड़ दे और पत्नी पति को छोड़ दे तो बड़ा दुख लगता है उसका उजागर कर दे। मान लिया गया हमारी पत्नी हमको छोड़ दी, नहीं छोड़ेगा, चलो नहीं छोड़ेगा, अरे मान लिया गया हमको छोड़ दे तो मतलब कहता जो अगर कोई उधर से आया और कोई बोल दिया है सर आप हमको क्या पढ़ाइएगा, आप पक्का आदमी संभारण करता है, हमको क्या संभारिएगा, तो हमको दुख लगेगा कि नहीं, दुख लग जाएगा कि नहीं, कि बाबू ये तो झटका दे दिया यार, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, किसके पास हो रहा है, मंगम्मा के साथ यहाँ पर हो रहा है कि मंगम्मा के बताओ पति था कि नहीं था,
छोड़ के चला गया था मंगामा का पति और वह बतिया बोल दल के मंगामा के कौन बहू, तो ककरो भी झटका लग जाते यार है के? तो जब ऐसा बोल दिया तो मंगामा शिकायत केकरा पास किया बेटा के पास किए बोल देखें की बोलो तुर जन की बोलो तुर हाँ पूछे ना गांव में तो ऐसा ही भाषा बोला जाता बोला गया भाई तो मंगामा की बहू मतलब कहता है कि बोले की बोल लिये की बोल ना कोई बोल लियो है गए तो एकर बेटा बोल रहा है कि बताओ ना की बोले तो ओकरे पूछ लेन कैसन कैसन बतिया बोल ले बाबू सहे वाला नहीं हलो हम तो सह लियो लेकिन हाँ दूसर को नहीं सह तो मरिए हो लो आए है गए फिर मंगामा का बेटा कहता है मंगामा को कि देख ले माँ तोरा अगर घर में रहना हो बढ़िया से रह नहीं तो अलग हो झूठो झंझट काल कर में जा तू बताओ मंगामा का बेटा ककरा बोल दिया अलग होने के लिए फिर से बोले मंगामा का बेटा कह रहा बोला माँ को कि क्या हो जाइए मंगामा का बेटा बोला माँ को क्या क्या हो जाइए अलग हो फिर से बोले क्या हो जाइए नहीं बोला क्या हो जाइए अलग हो जाने के लिए बोला गया जब अलग हो जाने के लिए बोला गया तो सुनिएगा हलाई मंगामा का बेटा बोला कि मंगामा को कि अलग हो जाओ मतलब कहता है कि अलग हो जाओ ऐसा बात है तुम तो यहाँ पर समझिएगा माँ बोले क्या बोलेगी भाई जब अलग होने बोला तो बोला ठीक है जो तुम लोग सोचो भाई अलग हो जाए घटना आई घटा अब देखिए क्या होता है मंगामा एक ग्रामीण परिवेश की औरत है जो बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने का कार्य करती है ये बारिश से दही बेचती है जाने और आने के क्रम में मंगामा को एक औरत से लगा हो जाता है जिसे मंगामा माँ जी कहती है मंगामा एक दिन दही बेचकर घर आती है उसके बहू अपने बेटे को पीट रहे थे जब मंगामा मना करती है तो मंगामा की बहू जो है बहुत सारे शब्दों को बोलकर मतलब कहता मंगामा को मतलब कहता है कि चुप कर देता और मतलब कहता बोलते बंद कर देता मंगामा ये बात अपना शिकायत जो है किसके पास किया बेटे के पास किया जब बेटे के पास मंगामा शिकायत करती है तो उसका बेटा मंगामा का कौन बेटा मंगामा को ही अलग हो जाने की बात कह देता है बताओ इतना दो समय में लो कि नहीं चलिए अब यहां तक समझ में आ गया तो आगे मैं बताना चाहूंगा ध्यान दीजिएगा आप लोग ककर बेटा मंगामा का बेटा ककर बेटा है हाँ मंगामा का बेटा ऐसा बोला भाई मतलब कहता अलग हो जाने मंगामा अगले दिन दही बेचने फिर बेंगलोर शहर चली जाएगी जब चले गई तो मतलब कहता जाती है और माँ जी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाती बताओ कौन जी है माँ जी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाती है कि माँ जी दही लोगी तो उधर से माँ जी का बेटा दौड़ा हुआ आता है दही लेने के लिए माँ जी का बेटा मंगामा जैसे अकाई तो माँ जी का बेटा उधर से क्या आता है दौड़ा आता है एक बेटवा छोटा जे रहता वो दौड़ा हुआ आता है तो मंगामा क्या करती दही निकाल कर उसके हाथ पर दही धर देती है कि लो बाबू खाओ और माँ को जल्दी बुला के लाना जैसे उसका बेटा माँ को बुलाने के लिए मुड़ता है वैसे उसकी माँ जा रही थी मतलब आ रही थी ऐसा होता है कि नहीं कि आप मतलब कहता गाली में आ ले आइसक्रीम बेचे वाला तो गनी आइसक्रीम लावे ले है कि नहीं तो बोलो कि मतलब हाँ बोले दे दे आइसक्रीम बुला के ला मम्मी के पैसा दे तू तो ताल जैसे आवो लगने ताल इधर से माँ तुम्हारे क्या हो रही थी जा रही थी तो ऐसा का भी हाल ये यहाँ हो गए बता मंगामा केकर घर पर आवाज लगा तो घर से माँ जी का कौन आया बेटा दौड़ा हुआ आया माँ जी का कौन आया बेटा क्या दौड़ा हुआ आया बता मंगामा उसके हाथ पर क्या दे देती है फिर से बोलो क्या देती है क्या देती है दही देती है मंगामा उसके हाथ पर क्या दे देती है दही देती है जब दही लेकर मतलब कहता बच्चा घर जाने लगता तो उसकी माँ आ रही थी जब माँ आ जाती है तो मंगामा बोलती है माँ जी ये तेरा ही लड़का है मंगामा बोलती है माँ जी ये तेरा ही लड़का है तो माँ जी कहती है हाँ ये मेरा ही लड़का है क्या बात है मंगामा ये मेरा ही लड़का है क्या बात है मंगामा ये मेरा ही लड़का है क्या बात है मंगामा हेलो ठीक चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अब बताइए मंगामा का बेटा उधर से आता है तो मंगामा जब मंगामा के पास माँ जी आती कौन आती है जब माँ जी आ जाती है तो मंगामा बोलती है कि तेरा ही लड़का है माँ जी
तो मंगामा बोलते मंगामा पूछती है माँ जी से तेरा ही लड़का है माँ जी, तो बोले हाँ मेरा ही लड़का है, क्या बात है मंगामा? तो बोले बेटा अभी छोटा है तो तुम्हारे पीछे होल बोलता है, जिस दिन पत्नी आ जाएगा पत्नी के पीछे होल बोलेगा। बताइए क्या बोला? कि बेटा अभी छोटा है तो तुम्हारे पीछे होल बोलता है, जिस दिन पत्नी आ जाएगा पत्नी के पीछे होल बोलेगा। ये बात मंगामा बोला। तो मंगामा को बहू बोलती है, मंगामा की माँ जी बोलती है, कौन बोलती है? माँ जी की क्या बात है मंगामा, तुम्हारा बेटा तुमको नहीं मानता है, क्या बात है मंगामा तुमको बेटा तुम्हारा नहीं मानता है? तो बोला ऐसा ही समझिए नहीं मानता है। तो बेटा नहीं मानता तो पति तो मानते होंगे, बेटवा नहीं मानो है तो पति तो तुरा मानो हो। तो जब ऐसा बोली तो मंगामा ये अपने आंचल में मतलब आंखों आंसू पोंछते हुए कहती है कि मेरा पति एक सुंदर साड़ी के पीछे चला गया, मेरा पति एक सुंदर साड़ी के पीछे चला गया। सब बताएंगे, पूछने की जरूरत यहाँ पड़ गया फिर बेकार यहाँ आते हो। मेरा पति एक सुंदर साड़ी के पीछे क्या हो गया? चला गया। जब एक सुंदर साड़ी के पीछे चला हो गया, अब बताइए कोई बोलेगा कि हमारे पति नहीं रहा या चला गया किसी के साथ, तो बताइए कोई औरत फिर अब कोई बोलेगा? फिर मंगामा माँ जी बोलने लगे कि हम नहीं जानते थे मंगामा, इस टाइप से बोलने लगे। तो बताइए मंगामा का घर माँ जी का घर कौन आए थे? बता मंगामा दही देने आए तो कौन आया था माँ जी का घर से? उकर बाद कौन आए? माँ जी। मंगामा बोलती है तेरा ही लड़का है माँ जी, तो मंगामा बोलती है तो माँ जी कहते हाँ मेरा ही लड़का, क्या बात है? तो बेटा अभी छोटा है तो तुम्हारे पीछे होल बोलता है, जिस दिन पत्नी आ जाएगा पत्नी के पीछे क्या करेगा? होल बोलेगा। और मतलब कहता जरूरी है भाई, बुलेट उलेट पर नहीं घूरे में तो कैसे रह पे? तो बउआ आज तो उसी प्रकार से मंगामा बोला कि तुम मंगामा के को बोलने लगे अरे माँ जी कि मतलब तुम्हारा बेटा नहीं मानता। तो बोले ऐसा ही समझिए, तो पति तो मानते होंगे, तो पति एक सुंदर साड़ी के पीछे क्यों अगले चला गया? बोले हम खंटा जुंटा लगो होती है दहिया उइया ज्यादा बेच हुई है, एक सुंदर साड़ी के पीछे चला गया। सुंदर साड़ी का मतलब समझिए, यहाँ पर मतलब हमारा से सूरतिया बनाए सुंदर हल है, कपड़वा खाली बढ़िया बढ़िया पहनो बउआ रे। आज तुमको मैं बताओ तो आदमी शरीर से नहीं कपड़ा से प्यार करता। एक लड़की अगर फ्रॉक सूट में अगर मिल जाएगी और रास्ता में जा रही है तो देखिएगा तो दीदी प्रणाम बढ़िया बढ़िया जाइए दीदी जाइए दीदी कोई दिक्कत। फिर वही लड़की एक घंटे बाद अगर जींस टॉप में आए हाय हेलो और कैसी हो कैसे लग रहे समझ आ रहा है कि नहीं? अब समझ ले तो वो जो है उसका स्ट्रक्चर जो है अगला लड़का भी कर रहा है बोल भाई भाई पार्टनर। ये बात समझ ले, अब ये समझ जखने फ्रॉक सूट में वो लड़के थे तो बोल दीदी बोल बढ़ी आगे अब रे कर रहा हाय हेलो भाई पार्टनर देख ली देखें। तो ये समय ऐसा झुक बदल गया, समय ऐसा बदल गया कि आज कपड़े से लोग प्यार करते हैं, आज उसके सूरत आज ये नहीं देखेगा कि मतलब